है देव पूजन में कुछ विचारणी तथ्य क्या है? तथ्य बार बार पूछा जाता है कि भाई ये विषय कैसे देवताओं की पूजन करना चाहिए, किसे क्या अर्पण करना चाहिए, तो उन सब चीजों में पूजा कर्म प्रभाकर और हमारे शास्त्रों के द्वारा जो बताया जाता है, जो नियम बताया गया है, उसी को हम जानेंगे। किसको जानेंगे? उन नियमों को जानेंगे, ठीक है। तो कैसे जानेंगे इसको हम समझेंगे कि देव पूजन में कुछ विचारणी तथ्य, मतलब कि इस प्रकार जैसे कहा जाएगा देव पूजन में पुष्प कैसे रखा जाता है, किसको बिलपत्र चढ़ेगा, किसको दूर्वा चढ़ेगी, किसको फूल चढ़ेगा, किसको चावल चढ़ेगा, हम कब जानेंगे? अपने शास्त्रों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने के माध्यम से, किस प्रकार से, कौन सी विधा है, उन विधाओं से हम जानेंगे कि ऐसे इस प्रकार से पूजन अर्चन किया जाता है, भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना चाहिए। तो उन्हीं सब विषयों को हम नित्य प्रति जानने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कि नहीं जानेंगे? हाँ, तो ध्यान से सभी लोग सुनेंगे और इसे व्यवस्थित तरीके से नोट भी करना है, ठीक है। तो देव पूजन में पुष्प अधोमुख कर न चढ़ाएं। कैसे नहीं चढ़ाना है? जैसे उत्पन्न होता है पुष्प वैसे ही चढ़ाना बोला जाता है, तेजी चाहिए। जैसे पुष्प उत्पन्न होता है वैसे ही क्या करना चाहिए? हाँ, वे जैसे उत्पन्न होते हैं मैंने बताया कि वैसे ही चढ़ाना चाहिए। बिलपत्र को उल्टा करके अधोमुख चढ़ाएं तथा कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल छिड़कें। अग्रभाग समझे? ऐसे ऐसे कर, ठीक है। धोती में रखा हुआ और जल में डुबोया हुआ पुष्प देवगण ग्रहण नहीं करते। समझ गए? धोती में कैसे, धोती इत्यादि में रोक रख देते हैं, जल में डाल देते हैं, तो ऐसे पुष्प को देवता ग्रहण नहीं करते। भगवान शंकर को कुंद, श्री विष्णु को धतूरा, देवी को आंख तथा मदार और सूर्य को तगर का ताम्र पत्र में रखा गया चंदन और चर्म पात्र में रखा गया गंगा जल अपवित्र हो जाता। दीपक को दीपक से जलाने पर मनुष्य दरिद्र और रोगी होता। एक हाथ से प्रणाम करने तथा एक प्रदक्षिणा करने से पुण्य नष्ट होता। केवल चंडी और विनायक देवी को और विनायक की एक ही प्रदक्षिणा का साधारण विधान। एक चंड्या रवे सत्रह तिस्रह कार्य विनायक हरे चतस्रह कर्तव्य शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। एक चंड्या रवे सप्ताह, सूर्य को कितनी बार परिक्रमा करना चाहिए? एक चंड्या रवे सप्ताह तीसरा कार्य विनायक। तीसरा माने तीन, विनायक माने होता है गणेश जी। कौन होते हैं? गणेश जी। एक चंड्या रवे सप्ताह तीसरा कार्य विनायक हरेश माने भगवान हरि को, हरेश चतस्रह चार, हरि की चार, हरेश चतस्रह कर्तव्य शिवस्यार्ध। शिव भगवान शिव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए। मांगलिक कार्यों में दूसरे की पहनी हुई अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए। सभी पूजा कर्मों में पत्नी को दक्षिण दाहिने बैठाना चाहिए, ये ध्यान देना है। किंतु अभिषेके विप्रपाद प्रक्षालने चैव वामतः। किंतु अभिषेक, जब अभिषेक किया जाता है मतलब पति पत्नी को बैठा किया जाता है, अभिषेक का विधान है, आगे जाओगे तो समझोगे। तो
अभिषेक और विप्रपाद प्रक्षालन तथा सिंदूर दान, जब विवाह होता तो क्रम बदला जाता है, जैसे बैठे रहते उनको परिवर्तन किया जाता है। सिंदूर दान के समय वाम भाग में अर्धांगनी के बैठने का विधान शास्त्र सम्मत है। स्त्री आचमन के स्थान पर जल से नेत्रों को पोंछ ले, स्त्री आचमन के स्थान पर जल से नेत्रों को पोंछ लेना है या आंख में लगा लेना है। स्त्रियों के बाएं हाथ में ही रक्षा सूत्र बांधने का शास्त्रीय विधान है। यज्ञ के अंत में पान सुपारी अक्षत आदि सहित घृत से भरे हुए नारियल की घड़ी को पीले वस्त्र में लपेट कर रक्षा सूत्र एवं माला आदि से वेष्टित कर पंचोपचार से पूजन कर पूर्णाहूति करना चाहिए या पूर्णाहूति दें। किंतु वैवाहिक होम में, किंतु ध्यान देना है, किंतु वैवाहिक होम में घर के भीतर, वैवाहिक होम में विवाह जब होता है घर के भीतर नित्य होम में पूर्णाहूति ना दें। क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए विवाह के कार्यक्रम में। और यदि हम नित्य प्रति कोई हवन करते हैं तो उसमें पूर्णाहूति नहीं करना चाहिए। शनिवार मंगलवार बुधवार एवं शुक्रवार को लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ ना करें। क्या नहीं करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए? तो शनिवार मंगलवार बुधवार एवं शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ, शनि मंगल बुध एवं ये ध्यान देना है। अब उसके बाद कितने बार बचेंगे उन्हीं में पूजन करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पौष शुक्ल दशमी, पौष शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल पंचमी तथा श्रावण की पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का अनुष्ठान एवं पूजन करने से अभीष्ट की उपलब्धि होती है। समझ गए? तो इन सब नियमों को हम सब ने जाना, कैसे किसकी पूजन करना चाहिए। हम पूजन कराने बैठे हैं तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। इस बात सभी लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो हम सब ने क्या जाना कि जो नियम कैसे, क्या नियम पालन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधान है। अगर हम पूजन करना कराने गए, इधर से सामने से एक बार ले लो, तो अगर हम गए और अब हमने जब जाना नहीं तो हम कैसे किसी यजमान का भला कर पाएंगे। तो हम लोगों ने जो जाना है उसे ध्यान दे करके स्मरण करना है, स्मरण करना है, चिंतन करना है और उसे समझना है। आप किसी के कार्य को